आईएसआई आतंकी का मालदीव से है कनेक्शन, भारतीय युवाओं का कर रहा ब्रेन वॉश। दरअसल दिल्ली पुलिस की हिरासत में आईएसआई आतंकी शहनवाज आलम से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को मालदीव की संदिग्ध महिला की भी तलाश है। दरअसल शहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अक्टूबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। शहनवाज पाकिस्तान में बैठे अपने आका अबू सलेमान के अलावा मालदीव की महिला के संपर्क में था। संदिग्ध महिला ने माइनिंग इंजीनियर शहनवाज का ब्रेन वॉश किया था। पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि महिला के जरिए सीरिया के अल हवल कैंप पैसा भेजा गया। ये कैंप आईएसआईएस आतंकियों के सबसे बड़ा ठिकाना है। इस कैंप में आतंकियों के परिवार भी रहते हैं। शाहनवाज ने केरल में मौजूद एक टीचर के जरिए 1,40,000 रुपए गूगल पे के जरिए सीरिया के कैंप में भेजे थे। उसने पैसे अपनी पत्नी बसंती पटेल के अकाउंट के जरिए भेजे थे। शाहनवाज के मालदीव की इस महिला के जरिए सीरिया कैंप का कनेक्शन सामने आया, जिसमें एजेंसियां भी सख्ते में है। आईएसआईएस अपनी महिला सैनिकों के जरिए हिंदुस्तान में यूथ का ब्रेन वॉश कराकर संगठन में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स का आईएसआईएस हिंदुस्तान में आतंक फैलाने में इस्तेमाल कर रहा है। शाहनवाज के खुलासे के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इससे पहले आतंकी शाहनवाज आलम ने खुलासा किया था कि आईएसआईएस के इशारे पर आतंकी गुजरात में बड़ा धमाका करने वाले थे। आतंकियों के निशाने पर गुजरात के कई सारे शहर थे। शाहनवाज ने बताया कि अपने हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर 2 आतंकियों ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत की घेराबंदी करने का भी फैसला किया। ये हमला गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए किया जाना था।